6 Dimaha South Taekwondo champs among Assam to train in Thailand. 6 Taekwondo champs of Dimaha South District are among Assam to participate at Hero Taekwondo training program at Bangkok in Thailand. The 6 champs, including 3 boys, namely Nathan Masona Darney, Aprajit Paul and Anshuman Joshi, while the girls are Benla Kemprai, Jangsmai Khersa and Anushka Ghimire, all have earlier received fame in Taekwondo championship both at state and national, achieving a numbers of medal and brings laurel to Dimaha South District. They were led by coach cum instructor Anuj Kumar Hagjar. Total duration of the program was 10 days, that is from 17th to 27th April. For the training program, Dimaha South Sports and Youth Welfare Department partially sponsored the fund. Probita Johari, NC Hills Autonomous Council Executive Member for Sports and Youth Welfare Department, expressing her happiness, said the youth who received training from abroad would someday surely bring laurel to the district by participating in international level. She added that the department is committed towards developing sense of sports in the district. बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से टैकंडो टीम को हम लोग का डिस्ट्रिक्ट दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड में भेजा गया है. तो हम लोग को भी हम लोग का दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल से भी हम लोग को मौका मिला है लोग को स्पॉन्सर करने के लिए. तो बहुत अच्छा लगा वो लोग अभी ट्रेनिंग दे के अभी रिटर्न आया. हम लोग का अनुज हगजर जी इंस्ट्रक्टर तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का 7 स्टूडेंट उसका साथ में गया है थाईलैंड में. तो वो लोग ने वहाँ सीख के आया ट्रेनिंग दे के आया. तो उन लोगों के लिए भी वो एक्सपीरियंस है कैसे हम लोग का स्पोर्ट्स को दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से आगे लेके जाएगा और स्पोर्ट्स में हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाएगा. और भी सिर्फ टाइकंडो नहीं दूसरा हम लोग का स्पोर्ट्स है उसमें क्रिकेट भी है फुटबॉल भी है उस हिसाब से हम लोग का और भी आगे लेके जाएगा. और हम लोग का दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का ऑनरेबल CM सर भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से स्पोर्ट्स को बहुत इनिशिएटिव ले रहा है. उस हिसाब से हम लोग को अभी बहुत फैसिलिटीज़ भी मिला है स्पोर्ट्स के लिए. तो अभी देखिए जगह जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हम लोग का एरिया पे अभी स्टेडियम मिल रहा है. तो हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से भी स्पोर्ट्स का थ्रू सर्विस भी मिलने वाला है. उस हिसाब से हम लोग और भी अभी हम लोग का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट से स्पोर्ट्स को प्रमोट करते लेके जाएगा और आगे लेके जाएगा. इन फ्यूचर हम लोग का बच्चा लोग के लिए जो स्पोर्ट्स से जो बेनिफिट मिलता है जैसे कि हम लोग को हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स से लेके. तो और फिर हम लोग का स्पोर्ट्स हम लोग का बच्चा लोग के लिए जो अभी यूथ्स लोग के लिए जो हम लोग का जो खराब रास्ता में जैसे कि ड्रग्स ये सब में माइंड डाइवर्ट नहीं होने के लिए स्पोर्ट्स हम लोग इम्पोर्टेंट लेना है. तो हम लोग भी जितना सकता हम लोग का काउंसिल का तरफ से भी हेल्प करने के लिए रेडी है स्पोर्ट्स के लिए. और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है सब कॉन्टेक्ट कर सकता है ताकि हम लोग स्पोर्ट्स का थ्रू ही उन लोग को मदद कर सके. जहाँ में हम लोग का देखिए हम लोग का जहाँ पे हम लोग का ऐसे भी होता है जैसे कि मायबंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे कि माहूर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ये सब में भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहा है हम लोग का यूथ्स लोग को स्पोर्ट्स में और इंटरेस्ट देने के लिए. और बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज भी कर रहा है हम लोग का स्पोर्ट्स का तरफ से वो लोग का टूर्नामेंट के लिए. तो मैं फिर जो हम लोग का टाइकंडो का जितना स्टूडेंट्स है अभी जो ट्रेनिंग दे के वापस रिटर्न आया है उन लोगों को मैं बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ ताकि इन फ्यूचर और भी हम लोग का नेशनल लेवल तक वो लोग क्वालिफाइड होने के लिए ताकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को और आगे लेके जाए. पार्टिसिपेंट्स
shares their experiences and challenges to be imparted in training with highly skilled instructor and said that they love the sport and hope for enhancing their skill more and more. First of all, I would like to introduce myself. My name is James Makersa and I'm studying in Don Bosco High Secondary School, Haplong. So basically, हम लोग जब थलन गया for training, हम लोग को सबको भी अच्छा लगा. Basics बहुत सीखने मिला हम लोग को and बहुत improvement भी हुआ हम लोग का. तो आप वहाँ पे क्या क्या आपको training में सीखने मिला? हम लोग का kicks बहुत improve हुआ और हम लोग का जो stance होता है पुम्से का वो सभी बहुत improve हुआ. लास्ट ईयर ट्रेनिंग किया था जुलाई को हर्ष मैम ने किया था. वहाँ में हम लोग भी बहुत अच्छे से सीखा ट्रेनिंग. हम लोग जब थाईलैंड में गया तो वहाँ में मतलब डांस ऐसा बहुत कुछ अलग था. हम लोग का हमें मुंसे में हम लोग का जो डिफरेंट डिफरेंट स्टांस होता है वहाँ में हम लोग का कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, वो सब भी बताया गया है. और हम लोग का जो पंच ऐसा होता है वो सभी हम लोग को बताया है कि कैसा कहाँ तक कितना तक लेकर जाना है. और हम लोग को ये भी बताया कि फ्यूचर में अच्छा जैसे पहला आप टाइकोंडो में स्टेट लेवल या तो कहीं पे पार्टिसिपेट किया था? ओपन में गया है. ओपन में कोलकाता में गया था. वहाँ में दो बार ओपन कोलकाता स्टेट चैम्पियनशिप में गया था. वहाँ पे गोल्ड मिला एंड सेकेंड टाइम ब्रॉन्ज मिला एंड क्यूरिकी में सिल्वर मिला था. टू ट्रेन विद देम ट्रेन विद थाईलैंड पीपल एंड वहाँ का लोग बहुत फ्रेंडली है एंड दे ऑल्सो टेल अस कि कैसा 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 है एंड हम लोग का जो स्टांस हम लोग को भी वो लोग ने बहुत इम्प्रूव किया है. सो माई नेम इज़ अनुष्का घिमेरे. आई स्टडी इन श्रीनगर हायर सेकेंडरी स्कूल. तो हम अभी ये फिलहाल हम बैंकॉक गए थे थाईलैंड. हमारा ये ट्रेनिंग था तो वो एसोसिएशन मतलब वहाँ जो टाइकोंडो था मतलब वो क्लास का नाम ऐसे हीरो टाइकोंडो था. तो हमने वहाँ पर मतलब हमें पता चला कि वहाँ पर हमारा बहुत सारा बेसिक रॉन्ग था. तो वहाँ पर जाके हमने लाइक हमारा स्टांस एंड ऑल तो बहुत इम्प्रूव हुआ. लाइक वो लोग बताते हैं कि हम लोग ने क्या क्या में ऐसे किया है. और हमारा अभी फ़िलहाल स्टेट चैम्पियनशिप आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत प्रिपेयर हुए हैं. एंड हमें पता चला कि हमारे बेसिक में बहुत सारा रॉन्ग था तो वो बहुत इम्प्रूव हुआ वहाँ पर जाके. और बाकी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे. लाइक वहाँ के स्टूडेंट्स लोग भी हमें सिखाते थे कि वहाँ ऐसे कैसे करना है और वो लोग बहुत फ्रेंडली थे और मास्टर्स भी बहुत अच्छे थे वो लोग. थाईलैंड में रहने में आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ किया? तो हम ऐसे तो हमारा ट्रेनिंग ही था तो हम ट्रेनिंग करते थे. हमारा 10 दिन का ट्रेनिंग था. तो हम ट्रेनिंग के बाद ऐसे घूमने भी गए थे ऐसे पताया एंड ऑल बीच सब में हम लोग गए थे घूमने के लिए. तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. वहाँ के लोग सब बहुत फ्रेंडली थे. बस थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट लाइक कोच वहाँ के सब ऐसे कम्युनिकेशन में वो लोग का साथ इतना प्रॉब्लम नहीं था और तो सब ठीक ही था. मेमोरेबल वाला मोमेंट तो जब हम लोग इसे सब ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद हम सब एक दूसरे को पूछ रहे थे वहाँ पे थाईलैंड के वो प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करके वो लोग हमें बता रहे थे कि कैसा करना है. और उसके बाद सर लोग के साथ जो मतलब हंसी मजाक होता था बीच में तो वो अच्छा एकदम मेमोरेबल मोमेंट था. वो लोग के साथ ऐसे ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा लगा. टाइकोंडो स्पोर्ट्स लेके टाइकोंडो ये स्पोर्ट्स को आप जानेंगे तो आप मतलब इसको किस लेवल तक आपको मतलब आपको लेके जाने का मन है? मुझे को इसे इंटरनेशनल एशियन गेम्स में लेके जाना है. पर हम लोग अभी लाइक स्टेट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फिलहाल तो स्टेट चैम्पियनशिप आ रहा है नेशनल्स के सिलेक्शन के लिए. तो वहाँ पर हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट हो जाए क्योंकि नेशनल्स में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होगी. हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत बड़ी बात होगी तो प्राउड मोमेंट में रहेगा. तो हम लोग छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे लाइक नेशनल से उसके बाद हम लोग करते जाएंगे तो हो ही जाएगा. और ऐसे गर्ल्स आपको क्योंकि टाइकोंडो एक सेल्फ डिफेंस का एक जरिया है तो आप दूसरे को जो गर्ल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ताइक्वांडो ऐसे मतलब हमारे लिए सब फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल एंजॉय इट। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा फन से करते हैं, ये एकदम फन करके हम लोग ये गेम खेलते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्ट्रक्टर अनुज हगजर ब्रीफ्ड ऑन हेल्थ बेनिफिट एंड स्कोप ऑफ ताइक्वांडो एज ए स्पोर्ट। और थाईलैंड में बेसिकली हम लोग का ट्रेनिंग सेशन था अच्छा लोग का, जो हम लोग का एसोसिएशन ने लाइक 6 प्लेयर सिलेक्ट किया था, तो वहाँ से एसोसिएशन की तरफ से हम लोग से 6 प्लेयर्स भेजा, 3 फीमेल एंड 3 मेल थाईलैंड में। आपका लाटफ्राउ में हुआ था, सॉरी नॉट लाटफ्राउ, इन वांगथोंगलांग में एकेडमी है, हीरो ताइक्वांडो एकेडमी, वहाँ में ट्रेनिंग हुआ और वहाँ में हम लोग का 10 डेज का ट्रेनिंग सेशन रहा और कोच लोगों वहाँ का आपका बहुत अच्छा भी था, एडवांस था। तो हम लोग का जो यहाँ में जो नहीं था मतलब ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ में जाके थोड़ा एडवांस हुआ। तो इस तरह का ट्रेनिंग क्या पहला बार हो रहा है क्या, मतलब यहाँ का दिमाग होगा? हाँ हाँ, तो मतलब बेसिकली मतलब दिमाग से मतलब प्लेयर्स लोग हम लोग पहला बार भी पहले भी किया हुआ है ऐसे, बट नॉट फॉर ट्रेनिंग, बट प्लेयर लोग जैसे कि फुटबॉल से तो गया है एक दो जो सिलेक्ट मतलब जो नेशनल टीम में है, लेकिन थ्रू दी ऑटोनोमस काउंसिल दिमा हसाओ इसके थ्रू से मतलब पहले बार डिपार्टमेंट के थ्रू से पहले बार प्लेयर्स को भेजा ताइक्वांडो का। हाँ अंदर से, हाँ उसका अंदर से। तो हम लोग का प्लेयर्स तो अभी बेसिकली आपका क्या है कि प्लेयर्स अब यहाँ में तीन जन है, हम लोग का प्लेयर जो 6 भी था वहाँ से आपका सब भी स्टेट मेडलिस्ट है और ऊपर से एक तो आपका यूथ ओलंपिक भी खेल चुका है, ऊपर से नेशनल मेडलिस्ट भी है। तो हम लोग का बच्चे लोगों और भी इन फ्यूचर अच्छा होने के लिए उन लोग को मतलब एक्टिव स्कोप देने लगता बोल के हम लोग से भी तो ट्रेनिंग सेशन तो मतलब थाईलैंड का जो हम लोग का पार्टनर है एकेडमी, तो वो लोग का साथ हम लोग डिस्कस करके ये जॉइन सेशन रखा। तो आप लोग जो ट्रेनिंग सेंटर वो थाईलैंड में जो ट्रेनिंग किया वो असम से या इंडिया से, वो टोटल कितना कितना लोग थे वहाँ पे? तो इंडिया से लाइक असम से तो हम लोग ही था, लेकिन भी पूरा दुनिया से आता है। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग का डिस ईयर आपका पोलैंड का टीम था, तो हम लोग जब अभी गया वहाँ में देखा था सिंगापुरियन लोगों भी था और थाई प्लेयर्स लोग भी था। हम लोग जो बच्चे लोग जो हम लोग का दिमाग का प्लेयर्स लोग जो ट्रेनिंग करते रहा वहाँ का थाईलैंड का प्लेयर्स लोग भी था, वो लोग भी एक्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस करते रहा। ऊपर से थाईलैंड का प्लेयर्स लोग भी लोगों का भी जापान में चैम्पियनशिप था बोल के वो लोग भी मतलब हम लोग का प्लेयर्स के साथ एक साथ मतलब ट्रेनिंग करते रहा। तो ये ट्रेनिंग ये अभी तो जो ट्रेनिंग किया तो इससे अभी आगे जाके क्या होगा, क्या मतलब? हाँ एक्चुअली हम लोग का प्लानिंग प्लान था कि हम लोग का अभी प्लेयर्स लोग सब जूनियर का था लास्ट ईयर, तो अभी धीरे धीरे बच्चे लोग उम्र भी बड़ा हो रहा है, तो हम लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे लोग मतलब अच्छा अच्छा मतलब खेला में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि नेशनल गेम्स। और दिस ईयर हम लोग का आसाम से लाइक 7 ताइक्वांडो प्लेयर्स लोग को गवर्नमेंट जॉब मिला, बिकॉज वो लोग नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और जो नेशनल गेम्स में जो जॉब मिला था वहाँ से एक प्लेयर तो हम लोग के ही टीम मेंबर है एक, वो भी मतलब वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो मतलब धीमा हासो में भी आके वो प्रैक्टिस किया था, तो उसको मतलब नेशनल गेम्स में भी उसको मेडल मिला। तो हम उसको ही सोच के मतलब अभी हम लोग का प्लेयर्स भी बोर होते हैं धीरे धीरे, तो हम लोग का प्लेयर्स लोगों हम लोग का धीमा हासो का नाम तो और भी इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल में, जैसे कि बोरो आपका गेम्स होता है, जैसे कि नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, तो ऐसे में मतलब हम लोग का पार्टिसिपेशन कम है। असम से तो ऐसे भी है, लेकिन दिमाग से तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं है ऐसा है। सो लाइक वी आर ट्राइंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कि बच्चा लोग को और अपॉर्चुनिटीज दे और दिमाग को नाम हो, तो ऐसे उनसे हमका सोसाइटी भी डेवलप होगा इन मैनी अदर फैक्टर्स।